Assalamualaikum. Welcome to MCPS online class. I will teach you maths chapter 4. Tick tick tick. Tick tick का मतलब से ही आप समझ गए होंगे कि ये वॉच है ना? वॉच जब चलती है तो टिक 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 की आवाज आती है ना? तो ये हम आज वॉच और टाइम के बारे में पता करेंगे. ठीक है. पैम्पोश एंड शाजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इन फर्दर फ्रॉम स्कूल. पैम्पोश और शाजिया के बीच में एक बातचीत चलती है कि कौन स्कूल जल्दी पहुंचता है. पैम्पोश कहता है, आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल. वो कहता है कि मैं 5 मिनट में चलकर स्कूल पहुंच जाता हूँ. तो शाजिया कहती है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल. में सिर्फ 2 मिनट में ही चलकर स्कूल पहुंच जाती हूँ. तो मैं पोश कहता, इम्पॉसिबल, योर होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल. यह असंभव है, तुम्हारा स्कूल मेरे घर से भी दूर है. बट आई चेकड माई वॉच, लेकिन मैंने अपनी घड़ी चेक की है, मैं जल्दी पहुंचती हूँ घर. आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock. मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ. और जब 2 पर यह हैंड आता है, मिनट का हैंड आता है, जब मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ. तो हुआ ना 7:02. वो क्या कहती है, 7:02 होता है. तब मैं पोश कहता है, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10. वो कहता है कि तुम गलत हो, 7:02 नहीं हुआ, 7:10 हुआ. तो शाजिया कहती, हाउ, कैसे. यू कैन यू सी दिस थीन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स. यस, सो व्हाट. वो कहता है कि आपने नंबर के बीच में कभी लाइनें देखी है. तो वो कह रही, हाँ, तो क्या. तो वो कहता है, द मिनट्स हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट्स पास्ट 7 और 7:10. वो कहता है कि 2 के बीच में जो छोटी छोटी लाइन है, यानी कुल मिलाकर 10 मिनट्स होते हैं. तो 7:10 पर आप स्कूल पहुंचते हो. तो आई स्टार्ट फॉर एट 7. देखिए, ये है वॉच, मैं आपको इसमें बता रही हूँ. ये वॉच है ना, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है. अब ये बीच में, अब ये 7 पे स्मॉल हैंड होगा जो आवर हैंड कहलाता है, यानी ये घंटा बताता है. और जो बड़ा होगा वो मिनट का होगा, सेकंड हैंड. ओके. तो ये 7 और 2, तो यहाँ बीच में छोटी 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 लाइनें होती है. देखिए, जैसे ये स्वॉच में है, ये देखिए, ये है ना छोटी छोटी लाइनें. हर डिजिट के बाद में जो छोटी छोटी लाइनें, वो 5 होती हैं, यानी 12 और 1 के बीच में 5 और 1 से 2 के बीच में 5. 5 + 5 यानी कि 10. 7:10. ठीक है. तो वो उसे वॉच देखना बताता है. देखो, ये 12 के बाद 5 लाइन है, 1 और 2 के बीच में 5 लाइन, 10, 7, 5 हुआ. और यहां पर आएगा जब, तो हैंड 7:10 हो जाएगा. ओके. जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट. कौन सही है, चीकू, बिट्टू या पिंकी. अब यहां पर देखिए क्या टाइम हो रहा है, 12 पर है और ये 3 पर है. 3 पर है स्मॉल हैंड और 12 पर है लॉन्ग हैंड, यानी कि आवर का हैंड छोटा होता है 3 पर और ये 12 पर है. तो क्या टाइम हुआ, 12:03, ये 12:15 या 3 o'clock. तो आंसर आएगा आपका 3 o'clock, क्योंकि 3 पर आवर वाला हैंड है और 12 पर मिनट वाला, 3 o'clock. अब यहाँ पे देखिए, 5 और 6 के बीच में हैंड है, फर्स्ट हैंड, एंड सेकंड हैंड कहाँ पर है, 7 पर. तो यहाँ पर क्या टाइमिंग हो गया, देखिए आप ये बता रहे हैं 7 to 5, 5:07 या 5:35. तो देखिए, 5 के बाद जब ये हैंड इधर उधर घूमता है, तो फिर 5 के बाद 6 के ऊपर धीरे धीरे ये आवर हैंड आने लग जाता है. तो 5 और 6 के ऊपर जाता है 30 और ये 5 मिनट्स, 5:35, ये रहा 5:35 मिनट्स. ओके.
अब थर्ड है देखिए, सेवन पर है आवर का हैंड और थ्री पर है मिनट का हैंड। तो अब ये कह रही है चीकू 3:35, बिट्टू कह रहा है 7:33 और पिंकी 7:15। तो ये देखिए 7:15, 5:10:15, ठीक है। वन और टू के बीच में फाइव लाइनें होती है, तो फाइव मिनट एक लाइन एक मिनट की होती है। तो यहाँ थ्री पर जब जब अब 12 के बाद से गिनेंगे तो थ्री के बाद 50 लाइन होंगी, तो 7:15, तो हमारा ये सही हो जाएगा 7:15, ठीक है। इसी तरह से ये वॉच है 3:10, तो हमको यहाँ पर हैंड बनाकर 3 और 10 बताना है कि 3 और 10 में हैंड किधर किधर लगेंगे। इसी तरह से 6:40, 4:45, 2:20, 3:15 और 7:35। मैं आपको ये 6 क्वेश्चन दे रही हूँ वॉच बनाकर, आपको इनके टाइम को शो करना है, ठीक है। और आपको अच्छे से बताना है कि 2:20 कैसा बनेगा, 3:10 कैसा बनेगा। ओके, हैव अ नाइस डे।